नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पाठ पांच को पढ़ेंगे। देखिए पाठ पांच का क्या नाम है। इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। यह एक कविता है जो किसके द्वारा लिखित है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखित है। पुष्प की अभिलाषा मीन्स फूल की इच्छा। देखते हैं अब इस कविता में क्या कहा गया है कि फूल की क्या इच्छा है, फूल क्या करना चाहता है। ठीक है, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। देखिए इस कविता में क्या कहा गया है। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। कवि क्या कह रहा है कि चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, कि जो अप्सराएं होती हैं उनके जब गहनों में फूल जो लगाए जाते हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं अप्सराओं के गहनों में मेरे को लगाया जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को जैसे फूल के द्वारा रिझाता है। ठीक है, तो मेरी वो भी इच्छा नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं, किसी प्रेमी कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को मुझे दे, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं ऐसे मेरी कोई अभिव्यक्ति करे। आगे है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं। जैसे क्या होता है जब किसी राजा महाराज की डेथ होती है तो उसके जो मृत शरीर होता है उस पर फूलों की वर्षा होती है, तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि कोई भी मुझे किसी भी महाराज के मृत शरीर के ऊपर मुझे डाले। ठीक है, आगे क्या है, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ के बैठूं और इतराना शुरू कर दूं कि वाह देखो मैं कितना ऊंचा हूं मैं, कि मैं इतने बड़े महाराजा या देवी देवताओं के सिर पर बैठा हूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। देखो क्या कितनी सुंदर लाइन है बेटा, ये सबको याद करनी है ये पोयम। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली कौन होता है, जो एक वन का माली होता है, जो बगीचे का माली होता है, कि उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर फेंक देना, जहां कौन से रास्ते पर, जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। शीश चढ़ाना क्या होता है, अपने जीवन को समर्पित कर देना। मातृभूमि मीन्स जन्मभूमि, या जो अपना देश उसको बोलते हैं मातृभूमि, जहां पर बहुत सारे वीर सैनिक लोग अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर ही मुझे तोड़कर फेंक देना, लेकिन मुझे कभी भी किसी सुरबाला के गहनों में मत गुथने देना, या किसी प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को मत देने देना, या किसी महाराज के मृत शरीर पर मत डलवाना, या फिर किसी देव जो लोग होते हैं, देवात्मा जो लोग होते हैं उन पर मत चढ़ाना। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि कोई मुझे, लेकिन मुझे कहाँ पर फेंकना तुम, जिस पथ से इस मातृभूमि की सेवा के लिए सैनिक लोग जाते हैं, जिस रास्ते से वे सभी गुजरते हैं उस रास्ते पर चाहे मुझे आप फेंक देना, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के पास जाऊं। ठीक है, तो हमें इस कविता के माध्यम से क्या शिक्षा मिली है कि देश की रक्षा करना, देश को सर्वोपरि मानना और सैनिकों का सम्मान करना। ठीक है, हमेशा हमारे मन में ये पोयम देशभक्ति की भावना को जगाती रही है और जगाती है वर्तमान में भी और जगाती रहेगी।
ठीक है, आप सभी को ये पोयम याद करनी है, सभी को कंठस्थ भी याद करनी है और इसका मीनिंग भी सभी को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी ऐसी पोयम होती हैं, ऐसी ऐसी जो कविताएं होती हैं, उससे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है। ठीक है बेटा, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।